मैं प्रिया आपके साथ। बिहार के खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया। पुल के चार पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की अफसरों से पूरी जानकारी ली है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इसे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। इसे SP सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गंगा में गिरने से 50 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठी। इससे नाव में सफर कर रहे लोग दहशत में आ गए। किसी तरह से नाव को किनारे लाकर लोगों को निकाला गया। इस निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर पिछले साल भी नदी में गिर गया था। 3 पिलर्स के 36 स्लैब यानी करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भर भर आकर ढह गया था। रात में काम बंद था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। उस समय पुल निगम के MD के साथ एक टीम ने वहां जाकर जांच भी की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।